हालांकि व्यूज़ तो यहाँ पे ऐसे हैं कि आप बैठे रहो घंटों घंटों निकाल लोगे, जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन ना एक चीज़ का और ध्यान रखें, यहाँ वाटर लेवल कभी भी बढ़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि थोड़ी देर पहले पानी यहाँ था और ये अभी गीला है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन ये सायरन जब भी बजेगा उसका ध्यान रखिए, क्योंकि अलर्ट आ जाता है कि पानी बढ़ा रहे हैं। तो इन्जॉयमेंट पूरा करिए लेकिन सेफ्टी और सारी चीज़ों का ध्यान रखने के साथ, है ना। अभी ये आप देख रहे हो, मैं वहाँ आपको बीच में ले गया था, अब साइड से देखते हैं और चलते हैं वापस पुल की ओर। फिर दिखाऊंगा आप लोगों को और नज़ारे जो मैंने पहले भी प्रॉमिस किया है आप लोगों को। तो जी बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी यहाँ पे आने वाले लोग काफ़ी काफ़ी आते रहते हैं, है ना। और देखा होगा आपने कि अभी जैसे कि मैंने अभी लोगों का फ़ोटो शूट करा, एक कपल आ रखा है, उन्होंने बोला कि भैया फ़ोटो क्लिक कर दीजिए। तो हमने कहा हमारा तो काम ही है फ़ोटो खींचना। आई एम अनट्रेन ट्रेन फोटोग्राफर, यू नो। शाम के समय सूरज डूबता हुआ और सूरज के डूबने के साथ ये पुल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता हुआ, ये नदी, ये नज़ारे हमेशा हमारी आंखों में ऐसे ही बने रहे। ये बस एक चीज़ है जो कि बहुत ही बुरी है, और वो ये है हम लोगों का रवैया। हम लोग जिस तरीके से देखते हैं गलत है। अभी मैंने आपको लाइव दिखाया था, कूड़ा कचरा फैला के चले गए हैं। नेचर को बर्बाद करने में हम लोगों का खुद का हाथ है और कोई नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसकी कदर ही नहीं है ना। अभी आने वाले टाइम में जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब हम रोएंगे कि ना हवा है, ना पानी है, ना ही नेचर है, कुछ भी नहीं है। अभी आप देख रहे हो लोग आते हैं, बियर पियेंगे, नशा करेंगे, यहीं छोड़ के चले जाएंगे। हम ही आप गंदगी फैलाते हैं और कोई नहीं फैलाता। यहाँ पर लोकल जो हैं वो तो साफ़ सफाई रखते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। कौन है भाई। चलिए, तो कैसा लगा आप लोगों को? आई होप अच्छा लगा होगा। और हमें नहीं बुला रहे, मुझे लगा पता नहीं क्यों आवाज़ लगाई जा रही है, हेलो हेलो, है ना। चलिए, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, है ना। अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ खड़े थे हम, ठीक है। ये मैं वहाँ खड़ा हुआ था और अब वापस जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। Here we go। लोगों को डिस्टर्ब ना करते हुए अब हम निकल पड़े हैं वापस अपने होटल की तरफ।
और अब तो दोबारा आना बनता है बॉस। मंदिर तो सबने देखा है, सभी लोग गए हैं, वो देखिए व्यू देखिए। मैं अभी थोड़ा देखता हूँ, आगे जगह मिलती है तो गाड़ी रोकता हूँ, है ना यार। करूँगा करूँगा, ज़रूर करूँगा, करके दिखाऊँगा। ये देखिए, और व्यू व्यू तो व्यू, मतलब इन द सेंस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पहाड़ की खूबसूरती सिर्फ हरियाली से ही नहीं, सूर्य देवता की उससे भी हो जाती है। जब सूरज ढल रहा होता है और एक साइड छाँव है और उस साइड पानी है, और पानी में सूरज की रोशनी पड़ के और चमक मारता है पहाड़, वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखिए एक सैंड का टापू सा बन गया है, अगर आप देख पा रहे हो तो। बहुत सुंदर, बहुत ही गजब, यही देखना था। आज का दिन बन गया बस, चलो चलते हैं। अभी फिलहाल ऑफ रोडिंग है तो ध्यान से चलो मेरे भाई। यस, करके दिखाएंगे, कम ऑन, यू कैन डू इट मैन। बस यहाँ थोड़ा ध्यान से, क्योंकि चिकने पत्थर हैं तो गाड़ी जो है घूम जाती है, इसका ध्यान रखें। राइडिंग में सबसे पहला सबक ये है कि आप अपने दिमाग को ना शांत रखें, एकदम कूल। जहाँ आपने पैनिक किया वहीं आपके हाथ से गाड़ी गई, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो हमेशा अपने राइडर का साथ देती है, अनलेस एंड अनटिल राइडर उस लायक हो। यहाँ पे चाय की दुकानें भी हैं, काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं यहाँ बैठे हैं, तो आइए हम लोग वापस चल रहे हैं अपने टारगेट की ओर। और मैगी पॉइंट बने हुए हैं यहाँ वहाँ जगह जगह। कैसे छोटे छोटे कॉटेज बना के रहते हैं ये लोग, इनकी लाइफ भी मतलब बहुत हार्ड है यार। हम लोगों को तो घूमने आते हैं, हमको लगता है हम मज़े कर रहे हैं, हम मज़े करते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं पहाड़ के लिए भी, और इसी वजह से आज के टाइम में ये पहाड़ बचे हुए हैं, वरना तो कहाँ कुछ बचने वाला था, हमने ही बर्बाद कर दिया था सब। होटल्स रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और भैया इंडिकेटर दे के रोकते, जहाँ मन करा वहाँ रोक दिए हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मजाक समझो काबे। साइकिल 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 रेंट पे मिलती है।
शूटिंग तो हम सब कर लेते हैं मगर दिखाते कम है। ये चाय मिल जाएगी, पता चाय पीने का, ठंड भी लग रही है तो एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ धूप भी आ रही हो और थोड़ा चाय का भी मज़ा ले लिया जाए। चाय आती है तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाया है मैंने और देखिए और मज़े कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन योगेंद्र गौतम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।